गोरखपुर पुलिस ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर 11 माह में 561 को दिलाई सजा, 4 अपराधियों को 20 साल तो 108 को आजीवन कारावास की हुई सजा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 6 दिसंबर को लेकर जंक्शन पर एसपी रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह की अगुवाई में फोर्स रही सतर्क। जीआरपी और आरपीएफ जवानों की टीम ने बम डिस्पोजल दस्ता, डॉग स्क्वाड टीम, एंटी जहरखुरानी टीम, क्यूआरटी, पीएसी बल के साथ रेलवे स्टेशन पर चलाया सघन चेकिंग अभियान। प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने जनपद के अधिकारियों के साथ एनेक्सी भवन के सभागार में कार्यों की समीक्षा बैठक। कार्यों को समय से पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भाजपा को 3 राज्यों में मिली जीत पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने पीएम मोदी व मुख्यमंत्री योगी को दिया धन्यवाद। कहा, यह जीत 2024 का है सेमीफाइनल, 2024 लोकसभा चुनाव में जीतेंगे 400 सीटें। पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने आने वाले दिनों में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को लेकर एनेक्सी भवन के सभागार में निषाद समाज के लोगों के साथ की बैठक। कहा, इस अधिवेशन में पूरे देश के निषाद समाज के सांसद, विधायक, एमएलसी व मंत्री होंगे शामिल। भाजपा को 3 राज्य में मिली जीत पर अपना दल के शोहरतगढ़ के विधायक विनय वर्मा ने कहा, जीत है प्रधानमंत्री मोदी की, 2024 लोकसभा चुनाव में जीतेंगे यूपी की 80 सीटें। असुर संगठन ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिवार दिवस पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट पर उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। उनके पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने 3 राज्यों में मिली जीत पर कहा कि भाजपा चुनाव को चुनौती के रूप में लेकर करती है कार्य, 2024 लोकसभा चुनाव में जीतेंगे 400 सीटें। भाजपाइयों ने क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर चौक स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। उनके पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। गोरखपुर में पुलिस कार्यालय पर भारत रत्न भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम किया गया आयोजित। श्रद्धांजलि सभा में उन्हें किया गया याद, उनके योगदान पर चर्चा की और उनके बताए मार्ग पर चलने का दोहराया संकल्प। पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव बिंद के नेतृत्व में थाना सहजनवा पर व्यापारी बंधुओं व सभासद गणों के साथ बैठक का किया गया आयोजन। सहजनवा चौराहे पर जाम लगने की समस्या पर विभिन्न बिंदुओं पर की गई चर्चा। गोरखपुर के यातायात पुलिस ने एक बार फिर खाकी का बढ़ाया मान। यातायात पुलिस ने ऑटो चालक की मदद से राहगीर के खोए बैग को किया बरामद। अपना बैग वापस पाकर राहगीर का खिल उठा चेहरा। यातायात पुलिस का जताया आभार।